नीट पेपर लेक मामले को लेकर पूरे देश में संग्राम सा छिड़ा हुआ है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और अब बिहार तक इस मामले को लेकर नए नए खुलासे हर रोज हो रहे हैं। देश के 24 लाख बच्चों के भविष्य का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अटका हुआ है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, लेकिन सियासी दल हैं कि बस अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। चाहे कोई सी भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले की तुलना एमपी के व्यापम घोटाले से करते हुए बीजेपी को घेरा है। उधर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तक इस मामले की आंच पहुंच गई है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पीएस पर आरोप है कि उन्होंने नीट मामले के आरोपी को पटना के गेस्ट हाउस में रूम बुक करवाया था। खैर, रोज नए खुलासे इस मामले को लेकर हो रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन अब तक हो रहे इन खुलासों को देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि नीट पेपर लीक मामले की जड़ें बहुत गहरी हैं और उन्हें खोदना बहुत ज़रूरी है, और खोदना तो पड़ेगा ही, क्योंकि देश के होनहारों के भविष्य का सवाल जो है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। बीजेपी से अरविंद बर्रा जी हैं, आपका स्वागत है अरविंद जी। कांग्रेस से करणपुर राजपुरा जी हैं, राजपुरा जी स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी से देवेंद्र यादव हैं, एनएसयूआई से अभिषेक चौधरी जी, आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस से जो करणपुर राजपुरा जी हैं, राजपुरा जी आपसे सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो 8 जुलाई को आना है। अब 8 जुलाई को अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में इस परीक्षा को रद्द कर देती है तो क्या ये सही फैसला होगा उन होनहारों के साथ जिन्होंने अच्छी मेहनत की और अच्छी मेहनत के साथ इस एग्ज़ाम को फाइट किया, जो ओरिजिनल जिन्होंने इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी, काफ़ी मेहनत की थी, वो मुन्ना भाई नहीं थे। अब ये मुन्ना भाइयों की एंट्री इस एग्ज़ाम में हो गई और इस पूरा खेल बिगड़ गया, तो क्या मानते हैं आप? जी विजय जी, जो कुठाराघात जिन उन 24 लाख विद्यार्थियों के साथ होना था वो तो देखो हो गया है, पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विफलता के दरवाजे खुल चुके हैं। लोगों को पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी इस एग्जाम को कराने में कितनी विफल थी, पर कहीं ना कहीं सवाली निशान अब हमें आज सुप्रीम कोर्ट से है। पर कहीं ना कहीं होना ये चाहिए था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जनता से मुखातिब होते रहते हैं, उनको आके बताना चाहिए था कि हाँ कि रीट का पेपर लीक हुआ है और हम इसको मानते हैं लीक है और इसको आने वाले समय में रद्द करके दोबारा कराएंगे। वो एनटीए भी उसमें बयान जारी कर सकता था, उसके ऊपर धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनको भी बयान देना चाहिए था, और कांग्रेस पार्टी तो शिक्षा मंत्री के बयान का इंतजार कर रही है, उनके इस्तीफे की मांग कर रही है कि कहीं ना कहीं ये नाकामी एनटीए सहित शिक्षा मंत्री की भी है कि उन्होंने इस मामले को लगातार छुपाया। अब तो स्वयं अपराधी स्वीकार चुके हैं कि हाँ हमने पेपर लीक करवाया है, छात्र स्वीकार चुके हैं कि हमें 40 लाख रुपए के अंदर पेपर मिला है, और कितना बड़ा घोटाला है इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियों से करवाने की आवश्यकता है, चाहे वो सीबीआई हो चाहे कोई दूसरी एजेंसियां हो। इसके लिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक लगातार प्रयास करेगी कि छात्रों को उनके हक की, छात्रों की मांगे पूरी की जाए, उनके साथ किसी तरह का अन्याय ना हो, कोई भी काबिल छात्र इस वजह से ना डॉक्टर बनने से रह जाए कि इस परीक्षा में धांधली होती है, पैसों के दम पर डॉक्टरी का पेशे को बेचा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, एनटीए के अधिकारियों के द्वारा, और ये तमाम तरह की चीजें इनकी जांचों की आवश्यकता है। व्यापम घोटाले की तरह अभी जिस तरह यूपी के अंदर परीक्षा सिपाही पुलिस भर्ती परीक्षा हुई, एमपी के अंदर पटवारी भर्ती परीक्षा हुई, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमाम तरह के राज्य हैं जहां पर लगातार परीक्षाएं पेपर लीक हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं यहां आवश्यकता है एक ऐसे कठोर कानून की, ऐसे इंतजाम की कि परीक्षाएं सुरक्षित रूप से हो सके, जैसा राजस्थान के अंदर है कि यहां राजस्थान के अंदर रीट का पेपर लीक हुआ, यहां की सरकार ने दो कदम आगे बढ़ाते हुए इस रीट के ऊपर एक कानून बनाया, विधेयक पास किया और उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया, उन आरोपियों की संपत्ति को अटैच कर ध्वस्त करने जैसी कार्रवाई की, तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर ये लागू होना चाहिए रोल मॉडल। लेकिन करणवीर जी, मैं यही पूछ रहा था, जो रीट वाला मामला आप बता रहे हैं ना,
उसी को लेकर कहीं ना कहीं बयान तो अब जो गोविंद सिंह डोटासरा भी ये नीट वाले मामले पे दे रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, दूसरे की अभी हालांकि अब डबल इंजन सरकार होगी, लेकिन राजस्थान में पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस आक्षेप लगते रहे कांग्रेस पे, अब स्थितियां ये है कि कांग्रेस में राजस्थान में जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकाल में भी तो ऐसा हुआ, तो ऐसा क्यों होता है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा जाते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, भविष्य का सवाल है कई बच्चों ने इसकी जो नीट की एग्जाम करने से माँ बाप की जिंदगियां तबाह हो जाती है, सब कुछ जमीनें बिक जाती है और पूरा कारोबार भुला जो माँ बाप खड़ा करते हैं वो बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए लगा देते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, बड़ी बड़ी ट्यूशन फीसेज हैं, ये तो बहुत दूसरे इशूज़ हैं जिन पर तो दोबारा कोई डिबेट में बात हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जो बच्चे जिन्होंने दिन और रात पढ़ाई की है उनके साथ ये मुन्ना भाई वाला जो सिस्टम है वो जो सिस्टम खड़ा इनके पैरेलल खड़ा किया है, किसने किया है क्या नहीं किया है, लेकिन मौजूदा सरकार अभी जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और सरकार ने पूरा आश्वासन दिलाया कि जांच करेंगे, जांच भी हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा इसके लिए कोई सिस्टम तो तैयार होना चाहिए ताकि इस तरह नहीं हो। विजय जी, पेपर लीक का मामला किसी राज्य विशेष का मामला नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक भयंकर समस्या है, एक संगठित अपराध की श्रेणी में आता है, और कहीं ना कहीं ये देखने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पेपर लीक के मामले को कितनी गंभीर है। जब वो राजस्थान के अंदर विपक्ष में थी तो तमाम तरह के आंदोलन हुआ करते थे राजस्थान के अंदर रीट पेपर को लेके, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी सरकार के जो चुने हुए लोगों को जो आरपीएससी में थे उनको भी गिरफ्तार किया और जो लिप्त थे उनको सलाखों के पीछे भेजा और एक कानून लेके आए जिसके अंदर उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा और उन आरोपियों को गिरफ्त में लेके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का काम किया। इससे पहले आप कहीं बताइए कहीं गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राज्य वहां पर कहीं भी अगर वहां पर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कहीं भी कार्रवाई हुई हो तो ये आपको देखनी आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी उन बच्चों के साथ, उन परिवार के साथ है जिनके साथ ये जो इस समस्या से गुजर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं स्वयं एक छात्र जीवन से भी निकला हूं, मुझे मालूम है एक छात्र का दर्द क्या होता है, कितनी तपस्या के बाद वो तैयारी करने के बाद उसको ये मौका मिलता है कि वो परीक्षा दे पाए। मैं ये कह रहा हूं, आप तकनीकी तौर पर जानते हैं एक स्टूडेंट को कितनी समस्या होती है इस तरह जो पेपर लीक मामले होते हैं उनसे, और समय समय पर कई महत्वपूर्ण एग्जाम्स के जो पेपर लीक होते हैं, और ये तो बहुत महत्वपूर्ण जो एग्जाम है और इसका बहुत बड़ा पहली बार इस तरह का बड़ा खुलासा हुआ है, 24 लाख बच्चों का भविष्य अधर में है। किस तरह के लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ों को अंजाम देते हैं और इस पर कोई राजनीतिक संरक्षण भी होता है, तो इस तरह की जड़ों को कैसे काटा जाए, कैसे रोका जाए, और इसके लिए किस तरह का कोई एक्ट बनना चाहिए सेंट्रल लेवल पर, तो छात्र संघ क्या सोचता है, छात्र नेता क्या सोचते हैं इसको लेकर, ताकि छात्रों के भविष्य का साथ खिलवाड़ ना हो। देखिए, सबसे पहले तो ये एक आम छात्र की बात है जिनके घर वाले इतनी मेहनत करके, आप देखिए राजस्थान में भी कोटा सीकर में हजारों बच्चे 5-5 साल से 3-3 साल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कोई नीट की कर रहा है, कोई IIT की कर रहे हैं, कोई बेचारा किसी का लगा हुआ है, किसी के घर वाले कैसे भी कैसे अरेंज करके। आवाज थोड़ी कम ज्यादा हो रही है आपकी। तरीके के लोग होते हैं ये चंद पैसे, ये मुन्ना भाई तरीके के जो लोग होते हैं ये चंद पैसे के लिए इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। और देखिए, इसके लिए तो एक सेंट्रल लेवल पे कठोर कानून की आवश्यकता है। आप राजस्थान में देखिए, अभी थोड़े से दिन पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब पेपर लीक हुए थे तो किस तरीके से बीजेपी ने हल्ला मचाया था, इनके नेता राजस्थान में ही पेपर लीक होते हैं, लेकिन आज जो केंद्र में देखो पेपर लीक हुआ है कोई सरकार का मुखिया बोल नहीं रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि नैतिक जिम्मेवारी लेने की जरूरत है, जब तक कोई सरकारी तंत्र का व्यक्ति नैतिक जिम्मेवारी नहीं लेगा तब तक इन चीजों को खत्म नहीं किया जा सकता। देखिए, नैतिक जिम्मेवारी लेंगे तभी कोई कठोर कानून बनेगा, कठोर कानून के तहत ही सजा होगी तभी ये लोग रुक पाएंगे। अब तो ये बेधड़क है, खुलेआम है, ना तो इनके कोई रोकने के लिए कानून है, सरकार इसकी जिम्मेवारी ले नहीं रही है, ऐसे काम चलते ही रहेंगे। उस किसान परिवार के मजदूर परिवार का जो छात्र है वो हमेशा खुद को ठगा हुआ महसूस करेगा।
आप देखिए, मैं तो यूनिवर्सिटी में रहता हूँ, चौबीस घंटे छात्रों के बीच में गलत समझता हूँ। एक छात्र अगर एमए का पेपर देर से भी रह जाए तो उसकी इतनी तकलीफ होती है कि आप सोच नहीं सकते। मैंने देखा है छात्र कई बार समय पर पहुंच नहीं पाते तो वो रोते रहते हैं भी हमारे एमए का पेपर छूट गया। लेकिन आप देखिए, पाँच साल से जिस तरीके से बच्चा तैयारी कर रहे हैं, उस पेपर में उसके साथ ऐसा होगा तो वो किस दर्द से गुजरा होगा। उसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए, नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, नैतिक जिम्मेवारी से इसको अपन रोक सकते हैं। सरकार के किसी मंत्री ने इसकी आज तक अभी तक जिम्मेवारी नहीं ली है। कांग्रेस के राज में राजस्थान में पेपर लीक हुआ, उसमें जांच एजेंसियां आगे आई, कठोर कानून बने, तो अब राजस्थान में इन चीजों पर अंकुश है। जी बिल्कुल, देवेंद्र यादव जी अभी तो हमारे साथ बीजेपी से सवाल पूछना चाह रहे थे, बीजेपी के अरविंद बर्रा जी, लेकिन फिर दोबारा उनसे कनेक्शन नहीं जुड़ पाया। देवेंद्र यादव जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं हमारे साथ। देवेंद्र जी, क्या मानते हैं, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर ही चलता रहेगा या फिर कोई सिस्टम को सुधार भी करेगी कोई सरकार? क्योंकि देखिए विजय जी, ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। बिल्कुल, देखिए कोई बड़ी संदेह की बात नहीं कि कोई छोटी घटना बिल्कुल नहीं है। और देखिए, पिछले 10 साल में पेपर लीक के कारण से करीब 3 करोड़ बच्चों का अलग अलग परीक्षाओं में जो भविष्य जो है वो दांव पर लगा हुआ था, जो प्रभावित हुआ है। और इस समय जो आरोप प्रत्यारोप की जो बात हो रही है, देखिए जिम्मेदारी से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाग रही है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप की बात आ रही है। एक और तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, दूसरी ओर उन्हीं के नेता कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ है। तो जिस तरीके से वे लोग अपनी बैसाखी वाली सरकार को बचाने के लिए, उसकी इज्जत को बचाने के लिए छात्रों के भविष्य, अब तो आरोपियों ने भी स्वीकार कर लिया है कि अब तो आरोपियों ने भी स्वीकार कर लिया है। देखिए ना विजय जी, आरोपियों ने भी स्वीकार कर लिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन तब भी इसके बावजूद भी जो जांच जो शुरू होनी थी वो शुरू नहीं हो पाई है। इसके बावजूद भी जिस तरीके से अभी भी उस चीज को प्रभावित रोकने की कोशिश की जा रही है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, अभी भी सोचे न्यायालय में केस लड़ना पड़ रहा है इस चीज के लिए कि जांच शुरू हो जाए, तो ये बेशर्मनाक चीज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आगे आकर के तत्काल जांच करवानी चाहिए थी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, जो आरोपी उनको जेल जाना चाहिए, जिन्होंने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया उनको जेल जाना चाहिए। और देखिए विजय जी, दो बड़ी चीजें किसी भी देश के लिए, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी की इस बैसाखी वाली सरकार में दोनों ही चीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस तरीके से यूजीसी नेट का पेपर पहले रद्द हुआ, उसके बाद में नीट का पेपर लीक हुआ, एक पेपर जिससे देश के शिक्षक बनने थे, जिससे देश का शिक्षा व्यवस्था का तय जो है वो तय होनी थी, दूसरा पेपर जिससे डॉक्टर बनने थे, जिससे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का जो है मापदंड तय होने थे, दोनों ही पेपर लीक हो गए। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो बैसाखी वाली सरकार है, इसको छात्रों से ना कोई उनकी फिक्र है, ना देश के जो स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था की कोई चिंता है। इनको तत्काल जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अब बेशर्मी को त्याग करके इस भर्ती परीक्षा को तत्काल रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिक्षा मंत्री इनका है, और जो एनटीए जो है उसकी इन्होंने ही उसका गठन किया था, एनटीए के मुखिया को इन्होंने नियुक्त किया था, तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और इनको तत्काल सामने आकर के देश से माफी मांगनी चाहिए और इस भर्ती को रद्द करना चाहिए, इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए, ताकि जो देश की शिक्षा व्यवस्था उसके साथ खिलवाड़ ना हो, स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। करणवीर जी, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तक इस मामले की आंच पहुंची है। उनके पीएस पर आरोप लगे कि उन्होंने जो आरोपी को पटना के गेस्ट हाउस में रूम दिलाया था, इस पर जांच बैठाने की, तुरंत जांच पे कार्रवाई करने की जो बात कह रही है भारतीय जनता पार्टी, इस मामले को कितना व्यवहारिक मानते हैं आप? सीधे तेजस्वी यादव पर आरोप लगा इसमें विजय जी, सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी अगर आरोप लगा रही है तो उनको ये देखनी आवश्यकता है कि एक बार तो मैं बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा कि एक बार वो जनता के सामने आए और कहें कि हाँ नीट का पेपर लीक हुआ है, ये हमारी नाकामयाबी है, उसके बाद जांच को आगे बढ़ाए। बिहार ने पुलिस ने बता दिया कि पेपर लीक है, गुजरात पुलिस ने बता दिया कि पेपर लीक है, हरियाणा पुलिस ने बता दिया कि पेपर लीक है, परंतु कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की गृह मंत्रालय, अमित शाह का गृह मंत्रालय और एनटीए और शिक्षा मंत्री ये मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक है, और ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ही कहेगा कि ये पेपर लीक हुआ है, इसको निरस्त किया जाए। तो हमें तो उनसे तो आशा है नहीं कि वो ये इसकी नैतिक जिम्मेदारी लें। जब देश के प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय ले लेते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर का श्रेय ले लेते हैं,
जब देश के प्रधानमंत्री इसरो के वैज्ञानिकों का श्रेय भी ले लेते हैं तो इस नाकामी का श्रेय भी उन्हीं को जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनकी उनकी कार्यप्रणाली में कमी थी। एनटीए के अधिकारियों के साथ किस तरह की सांठगांठ इन अपराधियों ने की, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और आरजेडी नहीं विजय जी, अगर बीजेपी, बसपा, सपा, कांग्रेस कोई भी व्यक्ति अगर इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको तत्काल प्रभाव से जे सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसकी उच्च लेवल की जांच होनी चाहिए। एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जिसके अंदर सर्वदलीय सभी दलों के लोगों को लिया जाए, इसके ऊपर राजनीतिक हथकंडा न बनाते हुए। राजस्थान के अंदर जिस तरह का कठोर कानून है उस तरह का कठोर कानून पूरे देश के अंदर लागू होना चाहिए ताकि एक मिसाल कायम हो सके कि बच्चों के साथ इस तरह खिलवाड़ करना एक जघन्य अपराध है, एक बिल्कुल मतलब फांसी के लेवल की सजा देने का प्रावधान उस चीजों में होना चाहिए, तभी जाके इस देश के ये संस्थान बन सकते हैं। अभिषेक जी, आप छात्र संघ ने अभिषेक जी आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, इस मामले में बिल्कुल होगा नहीं, बिल्कुल होगा अगर प्रधानमंत्री सामने आए और वो कहें कि यहाँ पेपर लीक हुआ है, और उनका स्वार और वो स्वयं और शिक्षा मंत्री तत्काल रूप से इस्तीफा दे। सरकार बीजेपी की है, आप लोग जांच करवाइए। आप कह रहे हो विपक्षी दल के नेताओं का हाथ है तो आप जांच करवाइए, जांच में वो होगा, दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल सीबीआई से जांच होनी चाहिए। देखो बीजेपी से हमारे साथ अरविंद बर्रा जी जुड़े हुए थे, वो पता नहीं कैसे नेटवर्क उनका इशू आ रहा है इस वजह से जुड़ नहीं पा रहे, उन्हीं से सारे सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल उन्हीं से पूछना है क्योंकि सत्ता उन्हीं की है। लेकिन अभिषेक जी, आप छात्र संघ नेता हैं, एक छात्र के तौर पर किस तरह देखते हैं कि ये इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी फैसला देता है या तो इन परीक्षाओं को रद्द करता है या फिर इस पर कोई दूसरा रास्ता निकालता है कि जो इसको इसमें कोई जांच कमेटी बैठा देता है, दोनों में ही छात्रों का नुकसान नजर आ रहा है। देखिए सर, बड़ी बात यह है कि जो बच्चा 3 या 5 साल लगातार एक चीज की पढ़ाई करता है ना, उसको तो आप 10 एग्जाम दिलवा लो, वो हर एग्जाम पास रहेगा। लेकिन इसमें जो मुन्ना भाई तरीके के लोग होते हैं, जो पेपर लेके रातों रात पढ़ के पेपर को टॉप करते हैं, तो जो पढ़ने वाले छात्र का वो लोग नुकसान करते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि इस पेपर को रद्द किया जाए, सरकार नैतिक जिम्मेवारी ले, पढ़ने वाला छात्र दोबारा पेपर दे सकता है, वो अपनी काबिलियत रखता है, वो अपनी पढ़ाई पे विश्वास रखता है, वो अपनी सिटिंग टाइम पे विश्वास रखता है, तो वो इस पेपर को दोबारा क्लियर कर लेगा। जी बिल्कुल। अब देवेंद्र जी, आपका क्या कहना है इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का 8 जुलाई को फैसला आना है, क्योंकि इस फैसला का कई फैसले को लेकर कई तरह की कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें कई बच्चे ऐसे जो एक्चुअली मेरिट में आए हैं, उन्होंने पूरी मेहनत की थी, पूरी साल भर लगे रहे थे, कई कोचिंग सेंटर्स अटेंड किए थे और पेरेंट्स बोल रहे हैं कि उन्होंने 40 से 50 लाख रुपए स्पेंड किए हैं, क्योंकि बहुत महंगी तैयारी होती है। एक डॉक्टर का सपना देखता है एक बच्चा और उसके लिए माँ बाप पूरी तरह उसको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए लगे रहते हैं। और अब ये जो स्थिति है, इस स्थिति में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को फैसला करेगा, तमाम जो अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जो अलग अलग स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों के लिए जो अलग अलग जिम्मेदारी दिया और उन सभी जो भी नोडल एजेंसीज है, नोडल ऑफिसर्स जो तय किए हैं, उनके ज़रिए ये सुप्रीम कोर्ट जो फीडबैक लेगा और उसके बाद फैसला देगा। लेकिन ये तय है कि मामला जो ये पेपर लीक का मामला तो निश्चित तौर पर सामने है कि पेपर लीक हुआ है, तो अब इसका क्या ऐसा रास्ता निकले कि विजय जी भारत सरकार ने अभी तक माना नहीं कि पेपर लीक हुआ है। नहीं बिल्कुल विजय जी, जैसा कि आपने कहा कि इस देश में शिक्षा बहुत महंगी है, दूध से कफन पर टैक्स लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी 18% टैक्स वसूलती है। देश की शिक्षा जो है, कोचिंग की फीस हो या कॉलेज की जो फीस है, 18% टैक्स बहुत ज्यादा टैक्स होता है। इतना टैक्स उद्योगपतियों से नहीं वसूला जाता है जितना देश के आम छात्रों से फीस पर वसूला जा रहा है। तो निंदनीय बात है। पहली बात तो इसको बिल्कुल सस्ता किया जाना चाहिए। आपने बिल्कुल एक अच्छा पॉइंट उठाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था हर गरीब को मिल सके, इसके लिए वो सख्ती होनी बेहद जरूरी है। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा,
वो सर्वमान्य होगा। देखिए क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अगर गलत बच्चा एक डॉक्टर बन गया तो ना जाने वो कितने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है। इसलिए नीट जैसी परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा है, इससे देश के सेवा भावी डॉक्टर्स निकलेंगे और उसमें कोई भी धांधली की गुंजाइश कतई नहीं हो सकती है। तो इसलिए अगर इसमें 1% भी अगर इसका तो भर्ती रद्द होनी चाहिए। हालांकि इसमें तो कई आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने पेपर लीक किया है और एक आरोपी की तस्वीर जिस तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के साथ वायरल हो रही है वो सबने देखी है। तो इसमें जो बार बार ये बात हो रही है कि तेजस्वी जी जो है वो शामिल है, तो इसकी तस्वीर तो जो है सम्राट चौधरी जी के साथ भी आ गई है। इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी भाग रही इस मामले की जांच करने से, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें उनके बिहार और गुजरात के नेता शामिल है। लेकिन कई बच्चे सपने देख चुके हैं, काउंसलिंग का समय आ रहा है काउंसलिंग के लिए कि हमको ये कॉलेज मिलेगा, ये कॉलेज के लिए हम अप्लाई करेंगे और उन्होंने तैयारी की। वो बच्चे भी अगर फर्जी अगर लोग इसमें आएंगे तो वो बच्चे पीछे छूट जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो बच्चा मेहनत करता है उसको इस चीज से नुकसान ही होगा, क्योंकि जो फर्जीवाड़ा करके जो लोग पेपर लीक करके पेपर देख करके आए वो मेरिट में आगे आ जाएंगे और जो काबिल जो बच्चे हैं जो काबिल डॉक्टर्स बनेंगे भविष्य में वो पीछे छूट जाएंगे। इसलिए इस परीक्षा जो लीक हुई है इसमें, क्योंकि हमने भी कई छात्रों से बात की, हम लोग भी इसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, धर्मेंद्र प्रधान जी के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया, राजस्थान में हमने जयपुर में कलेक्ट्रेट में प्रोटेस्ट किया। हम लगातार इसमें पेरेंट्स से भी मिले, बच्चों से भी मिले, सबकी यही इच्छा है कि चूंकि ये पेपर लीक हुआ है और सबको अब विश्वास है एनटीए के ऊपर, तो ये पेपर जो है इसको रद्द किया जाए। और दूसरी महत्वपूर्ण मांग ये है कि एनटीए को जो है भंग किया जाए और एनटीए के जो अधिकारी इसमें शामिल थे, एनटीए के हेड और देश के शिक्षा मंत्री, उनके अधिकारी, उन सब के खिलाफ भी जांच बिठाई जाए कि किसने इस पेपर को लीक किया। क्योंकि नीट के बाद में यूजीसी नेट का पेपर भी लीक हो चुका है, तो लगातार एक के बाद एक पेपर देश में लीक हो रहे हैं। ऐसा कोई आम घटना नहीं है। जब से मोदी जी की बैसाखी वाली सरकार सत्ता में दोबारा से आई है उसके बाद में अधिकारियों पर भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री इनका काबू नहीं रह गया है, वो लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं और लगातार पेपर लीक की घटनाएं हमारे देश में सामने आ रही है। लगातार देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का खिलवाड़ हो रहा है, देश के बच्चों के सपनों को चकनाचूर करने की कोशिश हो रही है, उनके माता पिता की जो खून पसीने की मेहनत थी उसको तोड़ने की, उसको बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। और देश के प्रधानमंत्री जी बार बार जो है आते थे देश के सामने और बोलते थे कि हम जो है परीक्षा पर चर्चा करेंगे, अब वो नीट की रिजल्ट पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते ये भी देश जानना चाहता है। तो परीक्षा पर चर्चा करने वाले मोदी जी को अगर नीट के इस रिजल्ट पर भी चर्चा करनी चाहिए और चलिए बताना चाहिए क्योंकि सरकार के राज में पेपर लीक हुआ है, उनको चाहिए देश की जनता। बीजेपी से अरविंद बर्रा जी जुड़ गए हैं, अरविंद बर्रा जी का इंतजार था काफी टाइम से क्योंकि सवाल उनसे ही थे, क्योंकि देश की के द्वारा पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये कंडक्ट की जाती है एग्जाम। अरविंद जी सवाल ये है कि लोकसभा इलेक्शन के दौरान राजस्थान में जो रीट की जो भर्ती थी उसमें जो पेपर लीक वाला मामला था उसको एक हथियार के तौर पर यूज़ किया था बीजेपी ने, खुद पीएम मोदी यहाँ पर जो बड़े बड़े ऐलान करके गए थे और उन्होंने कहा था कि उनकी सत्ता आई तो वे जो पेपर लीक मामलों के लेकर और सर जो ये एग्जाम्स में पेपर लीक होते हैं धांधलियाँ होती हैं इनको लेकर बड़ा कानून बनाएंगे। और अब ये नीट की जो एग्जाम है ये बहुत बड़ा इशू है, ये तो देश के लिए बहुत बड़ा ज्वलंत इशू बन गया है। कई बच्चे हैं 24 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जिनके भविष्य अधर में लटक गया है और अब सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई फैसला देगा तो ये तय है कि इसमें जो कहते हैं ना कि चने के साथ घुन भी पिसता है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है वो वाली बात हो जाएगी। जो अच्छे बच्चे हैं जो इन्होंने अच्छी तैयारी की है जिन्होंने माँ बाप ने खूब पैसा इसमें लगाया है उनको भी नुकसान होना है, क्या कहना चाहेंगे अरविंद जी? देखिए बीजेपी बीजेपी की सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। और आपको एक मैं बात और बताना चाहता हूँ कि जब राजस्थान में गहलोत के राज में रीट के और जो एसआई की भर्तियां थी उसमें बहुत बड़ी रीट को लेकर भी नकल गिरोह भी सक्रिय था, जब से भजन लाल जी की डबल इंजन की सरकार आई है और ये सरकार संवेदनशील है और इन्होंने बड़े कदम उठाए और कई फर्जी भर्तियां थी एसआई की उनको बेनकाब करके अपराधियों को जेल के अंदर डालने का काम इस सरकार ने किया है। सवाल नीट पर है भाई, नीट आगे मेरी बात तो सुनिए, आपकी सरकार थी तब हम भी सड़कों पे थे। आपकी सरकार की भूमिका बनाते बनाते 6 महीने हो गए हैं,
अब आप तो नीट में जवाब दीजिए, नीट में क्या, नीट में क्या है, क्या पेपर लीक है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। संवेदनशील है सरकार, तो जल्दी बड़ा फैसला लेगी। और जो संवेदनशील नहीं, आप तो ये बताइए कि पेपर लीक है या नहीं। सरकार और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिला। अरविंद जी, अरविंद जी, करणवीर जी पूछ रहे हैं कि पेपर लीक है या नहीं, क्यों कंट्रोवर्सी आपके नेताओं में, कोई कह रहा है कि पेपर लीक हुआ नहीं हुआ है, कोई कह रहा है। तो ये बताइए, देश का छात्र जानना चाहता है कि नीट का पेपर लीक है या नहीं। अपराधी स्वीकार कर रहे हैं हमने 40-40 लाख रुपए में पेपर बेचा है, परीक्षार्थी स्वीकार कर रहे हैं हमने खरीदा है। अपराधियों को जेल के पीछे डालने का काम ये संवेदनशील सरकार करेगी। आप तो ये बताइए, सीधी सी बात है, बिहार पुलिस कह रही है कि पेपर खरीदा बेचा गया है, जिन लोगों ने खरीदा है वो स्वीकार कर रहे हैं हमने खरीदा है, फिर भी आप देश के प्रधानमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, एनटीए के अधिकारी क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है कि पेपर लीक है या नहीं। आप तो ये बताइए पेपर लीक है या नहीं, जो चीज बेची जा रही है धांधली से, आप ये बताइए पेपर लीक है या नहीं। आपने खराब किया था उस वक्त भी आप यही बोल रहे थे, लेकिन जांच में सामने आया और वो जो अपराधी है वो अभी भी जेल के सलाखों के पीछे है। राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर जिस तरह का कानून बना हुआ है, किसी अन्य राज्य में है, किसी अन्य राज्य में है ऐसा कानून है, तो जरूर उनके अपराधियों तक सरकार पहुंचेगी और उनको सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। अच्छा अरविंद जी, कौन, एक सवाल मेरा यह है, अरविंद जी कौन बताएगा कि पेपर लीक है या नहीं, कौन बताएगा अरविंद जी, ये कौन बताएगा पेपर लीक है या नहीं, शिक्षा मंत्री बताएंगे, आप बताओगे, बिहार पुलिस कह रही है पेपर लीक है, बिहार पुलिस कह रही है पेपर लीक है, हरियाणा पुलिस कह रही है पेपर लीक है, गुजरात पुलिस कह रही है पेपर लीक है, कहाँ गए थे उस वक्त आप लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वो संवेदनशील है और विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर वो जरूर ऐसा कड़ा फैसला लेगी अगर नीट का अरविंद जी हुआ है। देवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, देवेंद्र जी एक बार एक छोटा सा सवाल और कर लेता हूं अरविंद जी से। अरविंद जी एक बात बताइए, हम जब कांग्रेस सरकार में रीट वाला मामला उछला था, पेपर लीक वाला मामला, तब आप लोगों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि पूरा सिस्टम है और ऊपर तक तार जुड़े हुए, कुछ चीजों का खुलासा भी हुआ था और ये माना जाता है कि इस तरह के मामले जो होते हैं, नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले, इस तरह के जो मामले होते हैं इसमें राजनीतिक संरक्षण मिला होता है, जो ये पेपर लीक वाला वाली जो घटनाएं होती है वो पूरा गिरोह होता है, उनको राजनीतिक संरक्षण मिला होता है, आप लोगों के आरोप थे, तो क्या आप मानते हैं इसमें इस जो पूरे प्रकरण में भी राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ उन लोगों को, जो इतने बड़े लेवल पर इस ऐसी अभी जांच चल रही है, अगर किसी इसमें किसी का हाथ होगा तो वो बक्सा नहीं जाएगा। मोदी जी की जो सरकार है संवेदनशील है इन छात्रों के भविष्य को लेकर। देवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, देवेंद्र जी देखिए विजय जी, मैं तो यही कहूंगा कि हरियाणा में इनकी सरकार, गुजरात में इनकी सरकार, बिहार में भाजपा की सरकार, इसके बावजूद इन्हीं की पुलिस कह रही है कि पेपर लीक हुआ, और एक और हमारे साथी अरविंद जी कह रहे हैं कि जांच हो रही है, जांच में सामने आएगा तो कुछ कार्रवाई होगी। देश के युवा जब ये डिमांड कर रहे कि जांच की जाए तो उनका गला पकड़ा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। अरे जांच की तो मांग कर रहे हो देश के युवा, आपके गृह मंत्री, आपके जो है शिक्षा मंत्री सामने आए और बोले कि जी बिल्कुल हमें संदेह है, पेपर लीक हुआ, हम जांच करवा रहे हैं, सारे आरोपी जेल में जाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है कि वो आरोपी जेल में नहीं जाएंगे ये भी जानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तस्वीर वायरल हुई एक आरोपी के साथ में, वो बता रही है कि भाजपा के कई बड़े नेताओं की साठगांठ इस मामले में शामिल है, और भारतीय जनता पार्टी का कोई नया इतिहास नहीं है, ये कर चुके इससे पहले, उसका पटाक्षेप तो इन्होंने जो दिया तेजस्वी यादव का नाम खींचकर इन्होंने उसका पटाक्षेप कर दिया है, वो दे दिया, वो बचाने की कोशिश कर रहे सम्राट चौधरी को, लेकिन देश देख रहा है कि सरकार इनकी है। अगर तेजस्वी यादव इस मामले में शामिल है तो नीतीश कुमार जी क्यों नहीं इसको गिरफ्तार करते, क्यों या किस बात से डरे हुए हैं, इनके पास अगर सबूत है तो जाए गिरफ्तार करे, क्यों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले आजाद घूम रहे। दरअसल देखिए विजय जी, इनका साफ हमेशा प्रोपेगेंडा रहा है,
भारतीय जनता पार्टी जल्दी तमाम अपराधियों से, तमाम पेपर लीक करने वालों को भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा लेगी और आने वाले किसी चुनाव में उनको टिकट देके विधायक बना देगी, पार्षद बना देगी। ये लोग ना देश के युवाओं की फिक्र करते हैं, ना देश के उन माता पिताओं के सपनों की फिक्र करना चाहते हैं जिनके सपनों को चकनाचूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया पिछले 10 साल में। 3 करोड़ पेपर लीक, सुनिए सुनिए सुनिए, क्या 10 साल में एक आरोप सिद्ध कर पाया बता दो, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, एक ऐसा मामला जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार साबित कर पाई हो 10 साल में, आरोप लगा करके बाहर जाना भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम है, आप लोग साबित कर दीजिए और जांच एजेंसियां दे दीजिए। अरे जेल में अमित शाह जी भी गए थे, अरे जेल में कुछ नहीं, जमानत मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी, आप पीएमएलए, आप पीएमएलए इतनी पढ़ के आए हैं, मैं भाजपा के साथी से यही कहूंगा, आप पीएमएलए इतनी पढ़ के आए हैं, अगर आप पीएमएलए पढ़ के आए होते आप जानते जेल में क्यों है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनसे डरते हुए जेल में डाला है, और आप नीट के मुद्दे से भटकाने के लिए इस मामले में लेके जा रहे हो। अरे सवाल नीट का है, सवाल देश के 24 लाख छात्रों का है, सवाल जो है देश के उन माता पिताओं का है जिनके सपने आपने चकनाचूर कर दिए, आप उस पर बात नहीं करना चाहते। देश के प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करने के लिए सामने आते हैं, पर रिजल्ट पे चर्चा के लिए सामने नहीं आते। और अगर नीट का पेपर, अरे कौन से मुद्दे पे आपने देश के सैनिकों की, सुनिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सेना के रक्षाप्रति धोखे में दलाली खाते पकड़े गए, आपने देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ किया, देश के शिक्षकों के साथ खिलवाड़ किया, देश के बेटियों का अपमान किया, आप संवेदनशीलता की बात करते हो, नहीं आप, अरे देखिए अभी अभी मुद्दे से हम भटकेंगे नहीं देवेंद्र जी, अभी अपन इस एग्जाम को लेकर ही बात करेंगे, बच्चों के भविष्य जी। बिल्कुल हम वही कह रहे हैं विजय जी, हमारा सीधा सा इसमें मामले में एक ही बात है कि नीट की परीक्षा चूंकि संदेह के घेरे में, ना छात्रों का विश्वास है ना उनके माता पिता को विश्वास है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनकी जिम्मेदारी बनती है अपनी जिम्मेदारी से भागना बंद करें, देश की जनता से माफी मांगे क्योंकि पेपर लीक उनके राज में हुआ है, और उसकी तत्काल जांच करवाएं, और जो भी आरोपी इस मामले में शामिल है उनको जेल में भेजें, और देश के वो प्रधानमंत्री जी हमारे जो परीक्षा पर चर्चा करने के लिए सामने आए थे, वो रिजल्ट पर चर्चा करने के लिए भी सामने आए, और देश के उन माता पिताओं से और देश के बच्चों से माफी मांगे क्योंकि इनकी बैसाखी वाली सरकार में पेपर लीक हुआ है, नीट का पेपर लीक हुआ है, यूजीसी नेट का पेपर हुआ है, और ये दोनों भर्तियां बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि एक से देश के डॉक्टर निकलेंगे और दूसरे देश से शिक्षक, और ये दोनों मिलकर के ही किसी देश का निर्माण करते हैं। अगर देश के शिक्षक और देश के डॉक्टर्स अगर इनसे जुड़ी परीक्षाओं में इस तरह की धांधली होंगी तो बेनिंदनीय होगी। नहीं नहीं बोखला, अरे अरे वो कोई बात नहीं, अरे उसको मत जाइए, मुद्दे पे मत बताइए, चलो अरविंद जी अभी नीट पे बात कीजिए, आप दीजिए जवाब नीट पर ही, जो अरविंद जी नीट पर ही बात करते हैं, आप काफी देरी से आए हैं डिबेट में इसलिए आपसे ही सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक वाले मामले में बयान दिया और बयान देकर यह कहा है कि जो एमपी इसका एपी सेंटर है और गुजरात यूपी अब नया एपी सेंटर बनने जा रहा है, जो इस तरह की धांधलियां होती है पेपर लीक मामले को लेकर, उन्होंने व्यापम घोटाले से भी इसको कनेक्ट करा है, व्यापम में जो इस तरह जो अज्ञात रूप से मौतें भी हुई इस मामले में जो भी तमाम आरोपी थे, और बहुत बड़ा घोटाला था आपको पता है, और ये भी कहा लास्ट में कि भारतीय जनता पार्टी पर सीधे आरोप लगाया है, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में मास्टर है पूरी, तो सीधे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया, उन्होंने कहा है कि ये जो एपी सेंटर जगह जगह एपी सेंटर तैयार कर रही है, मध्य प्रदेश से निकली थी और अब पूरे देश के अंदर ये इनका ग्रोह फैल रहा है और इसको हवा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए मिल रही है, बड़ा आरोप है। देखिए देखिए गुजरात और मध्य प्रदेश में जो इनकी पूरी तरह से हार हुई है वो राहुल गांधी जी पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये ऐसे झूठे वो आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि इस कांग्रेस को देश की जनता ने तीसरी बार नकारा है, इसलिए उनकी ये हार की बौखलाहट मध्य प्रदेश और गुजरात के ऊपर ये डालना चाह रहे हैं क्योंकि वहां पे कांग्रेस की पूरी तरह हार हुई है। नकारा कैसे है अरविंद जी, अभिषेक जी हारे बोलिए, अभिषेक जी को बोलने दीजिए, हाँ अभिषेक जी बोलिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरे कोई आदमी ऐसा तो आदमी होगा जो नैतिक जिम्मेवारी लेगा, किसने नैतिक जिम्मेवारी ली,
कांग्रेस के हाथ में पेपर लीक हुए उसकी नैतिक जिम्मेवारी आपने गोविंद सिंह डोटासरा को बोला आपकी सरकार अरे अभी अभी पेपर लीक हुआ है उस पर बात कीजिए ना, तब जब हुआ था तब हुआ था कि क्या कहाँ बात कर रहे हैं आप, अभी पेपर लीक हुआ है उसकी बात कीजिए ना, कल 18 जून को पेपर लीक हुआ है उस पर बात कीजिए ना, पहले मान तो लीजिए पेपर लीक हुआ है, पहले मान तो लीजिए पेपर लीक हुआ है, नीट को स्वीकारिए पहले पेपर लीक हुआ है, जब देश के प्रधानमंत्री मंदिर बनाने का श्रेय ले जाते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री सुनिए अरविंद भाई शांति से सुनिए, मैं तो अभी डबल इंजन की सरकार आई है, बहुत जल्दी वो सलाखों के पीछे रहेंगे। आपका इंजन 6 महीने में सीज हो चुका है, ये राजस्थानी जनता देख चुकी है, आपका इंजन 6 महीने में सीज हो चुका है, 6 महीने में, 6 महीने में आपका इंजन सीज है, मैं क्या कह रहा हूँ अरविंद जी आप सुनिए बात को, डबल इंजन नहीं है आपका, सिंगल इंजन भी सीज हो चुका है, 6 महीने में सीज हो चुका है, और अब वो इंजन नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू घसीट रहे हैं, उस इंजन को जो इंजन सीज हो चुका है उसको घसीटने का काम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो आप अपने डबल इंजन का दोष मत दिखाइए जनता को, आप इंजन नहीं रहे, आप टुकड़े हो गए रेलगाड़ी के टुकड़े हो, आपका इंजन बिल्कुल आप रेलगाड़ी के टुकड़े हो, इंजन तो कोई और ही है, आप रेलगाड़ी के टुकड़े हो, आप तो फिर किस बात का दिन है कि कहीं आपके इंजन आगे चले जाता है डिब्बे पीछे रहे, जनता दरबार के अंदर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा रखी गई थी नीट के मामले में, नेट के मामले में, और सारे युवा साथियों को बुलाया गया था, मैंने भी सोचा था कि आज कहीं ना कहीं कोई सार्थक चर्चा होगी, कहीं ना कहीं आप भी स्वीकारेंगे कि हाँ ये युवाओं के साथ गलत हुआ है, देश के प्रधानमंत्री को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आने वाले समय में ऐसे इंतजाम करने चाहिए जिस तरह के इंतजाम राजस्थान में हुए हैं, जिस तरह कानून राजस्थान में बनाए उस तरह का कड़ा कानून पूरे भारत में लागू हो, वो स्टेट मॉडल के रूप में चर्चा की जाए उसकी, परंतु आप तो वही मोदी के बातें, वही मोदी के जुमले, वही, अरे भाई चुनाव हो चुके हैं अरविंद भाई, चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उनका प्रचार प्रसार बंद करके उन 24 लाख युवाओं के साथ जो कुठाराघात हुआ है उस पर चर्चा कीजिए, आरएस आईपीएस बना दिया, आरपीएससी में घोटाला नहीं किया आपकी सरकार की तरह, जेल गए ना वो लोग, जो जो जिन्होंने घोटाला किया जेल गए ना वो, अभिषेक जी आपकी आवाज कम आ रही है, अभिषेक जी आवाज कम आ रही है, और आपसे मैं कुछ आप थोड़ा लाउडली बोलिए, मेरा सवाल यही है एक बार फिर से कि अब ये मैंने शुरुआत ही जहां से डिबेट की थी कि रास्ता वहीं पर जाकर पहुंच जाता है, सियासी बातें चल जाती हैं, नैतिक जिम्मेदारी की बात है जहां पर सब हाथ ऊपर कर लेते हैं चाहे कोई सा भी राजनीतिक दल हो, अभी ये मामला बहुत गंभीर है, पूरा देश के लिए ज्वलंत है, पूरा देश जल रहा है, और देश में जब आज कुछ जो भी होता है, बहुत बड़ा देश है, उपमहाद्वीप कहलाता है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा होती है, नीट जैसी एक डॉक्टर के यहाँ पर कई जैसे यहाँ से अमेरिका जाया करते थे पहले लोग बाग अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, अब इंडिया के अंदर भी जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं ट्रीटमेंट कराते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, कितना विश्वास कायम हो पाएगा यहाँ के जो डॉक्टर्स पर कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम के पेपर लीक कराने के बाद और फिर जो एंट्रेंस करवाया जाता है और उसके बाद में वो डॉक्टर बनते हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसके लिए जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, सरकारों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जो भी सत्तारूढ़ दल होगा, और एक्शन में लेना होगा जो भी तमाम एजेंसी और नोडल जो ऑफिसर्स हैं जिनके जरिए जाँच होनी है, इसको लेकर गंभीरता से लेना पड़ेगा, तो युवा की दृष्टि से और एक छात्र की दृष्टि से, छात्र नेता की दृष्टि से, अब ये अरविंद बर्रा जी भी जुड़ गए, आपकी क्या मांग है अगर सरकार से मांग करना चाहें तो आप? आपने कहा बाहर के लोग हैं, बात करने वाले
जो कि ऐसे ही नीट का पेपर कोई मुन्ना भाई करके मन के पास होंगे तो वो कैसे क्या इलाज कर पाएंगे। मैं तो यही सरकार से मांग करता हूँ कि आप आगे आइए, इस चीज की नैतिक जिम्मेवारी लीजिए। अगर छात्रों के साथ कुठाराघात हुआ है, छात्रों का पेपर लीक हुआ है, तो इस पेपर को रद्द कीजिए और इसको दोबारा करवाएं। अरविंद जी एक बार जवाब दे दीजिए, फिर करणवीर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी अगर अगर नीट का पेपर लीक हुआ है, सरकार इसके प्रति संवेदनशील है। अगर संवेदनशील कैसे अरविंद जी, अरे भाई साहब अभिषेक जी, अब आपको 10 साल तक विपक्ष में बैठे रहना है, आप कैसे चिंता कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी को बोलने दीजिए, आपको विपक्ष में रहना है 10 साल तक, अभी तक सरकार का फैसला आ जाता, आपको बोलना ही है, आपको बोलना ही है, बाकी अब तो आपके पास कोई काम नहीं रहा है, अब आपकी कभी काम तो सरकार बनने वाली नहीं है, इसलिए आप चुप रही है, काम तो आपकी इंट से इंट बता देंगे, अरविंद भाई मर्यादा का ख्याल रखिए, आप टीवी की डिबेट का हिस्सा है, दर्शक सुन रहे हैं आपको। उनको अगर कोई इनके पीछे जो भी अपराधी है, अगर नीट का पेपर लीक हुआ है तो उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए और नीट का पेपर रद्द कर देना चाहिए। डालेंगे कब डालेंगे, कब डालेंगे आप चिल्लाते रहो। करणवीर जी, करणवीर जी कांग्रेस से कुछ कहना चाह रहे थे। करणवीर जी मैं जनता दरबार के माध्यम से देश की जनता को से जनता की बात करते हुए इस भारतीय जनता पार्टी से एक उम्मीद करता हूं कि ये सरकार सामने आए, इसकी जिम्मेवारी ले और पेपर लीक हुआ है इसको रद्द करे और तो देश के अंदर एक ऐसा सिस्टम डेवलप करे, एक ऐसा कानून, ऐसा विधेयक लेके आए, ऐसा नियम बनाए जाए कि आने वाले समय में देश के अंदर इस तरह के घटिया तरीकों से पेपर लीक करना और इस तरह के बड़े एग्जाम, शिक्षा, डॉक्टर जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, उन पैसों से कम से कम तो ये पेपर लीक जैसी समस्याओं से ना जूझना पड़े, देश के युवाओं का, देश की संवैधानिक संस्थाओं के अंदर आस्था बढ़े, विश्वास बढ़े, ताकि आने वाले समय में देश के युवा इस देश का रोशन कर सके। इस तरह से अगर पेपर लीक करते जाएंगे तो भारत विश्व शक्ति की बजाय हम रसातल में जाएंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार को इसके ऊपर स्टेप लेना चाहिए, राजस्थान के कानून का अध्ययन करते हुए पूरे देश के अंदर इस कानून को लागू करना चाहिए। पेपर लीक के ऊपर उम्र कैद की सजा का प्रावधान होना अति आवश्यक है, संपत्तियों को ध्वस्त करना अति आवश्यक है और कहीं ना कहीं इस मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में लागू करना चाहिए। अच्छा अभिषेक जी एक बार आपके पास ही आना चाहूंगा, आप छात्र नेता है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस नीट पेपर लीक मामले में हुई है, 1500 से ज्यादा ऐसे जो छात्र हैं, ऐसे मामले हैं जिनमें कि ग्रेस दी गई है, उनको ग्रेस के जरिए उनको मार्क्स दिए गए हैं और बिहार का मामला है, बिहार में और सफाई ये दी गई है कि वहाँ पर इन छात्रों को लेट पेपर मिले थे तो टाइम जो उनका ख़राब हुआ था उस टाइम को मैनेज करने के लिए उनकी जिनको ग्रेस से मार्क्स दिए गए हैं और इसकी सफाई दी है डीजी ने, डायरेक्टर ऑफ जनरल ने। लेकिन अगर देखा जाए तय मापदंडों के आधार पर तो टाइम अगर ख़राब हुआ तो टाइम के बदले टाइम दिया जाता है। अगर इस तरह के मार्क्स देने लग गया, इस बहुत बड़ा फैसला है, इस तरह किसी कोई मैट्रिक के एग्जाम में भी इस तरह के मार्क्स, इस तरह मार्क्स नहीं बांटे जाते जिस तरह की नीट जैसी महत्वपूर्ण एग्जाम में बांटे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी दूसरा सवाल ये कि इसकी कोई इन्फॉर्मेशन किसी तरह की कोई टैग नहीं की, कोई किसी जो संबंधित वेबसाइट पर या संबंधित विभाग द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। जब ये मामला लीक हुआ तब डायरेक्टर जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि जो ये छात्र हैं उनको इसलिए ग्रेस से मार्क्स दिए गए थे ताकि क्योंकि उनका बिहार में टाइम खराब हो गया था। तो कई जगह इस अलग अलग परिस्थितियों में इस तरह के मामले आए हैं। जी सर, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आप नीट कोई 12th क्लास का या कोई आम पेपर नहीं है, नीट इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, उसमें टाइम खराब होना मनता ही नहीं है। पेपर लेट क्यों बांटे गए, क्या कारण था, इसका भी कोई अभी तक रीजन उन लोगों ने साफ स्पष्ट किया नहीं है। और जो उनका मार्किंग सिस्टम है, मार्किंग सिस्टम के बारे में तो वो खुद ही नहीं बता पा रहे भाई ग्रेस देने का या क्या 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 कारण थी। ऐसी परीक्षा में बिना कोई नियमों के तहत ऐसे नंबर देना कोई मतलब की बात नहीं है। ये पूरा इस सरकार की भ्रष्ट तंत्र को दिखाता है। आप देखिए डायरेक्टर डीजी ने तब आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब ये
नीट का मुद्दा पूरे देश में आ गया था, उससे पहले तो किसी को इस बात का पता ही नहीं था। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि ये पूरी सरकार है इसके अंदर लिप्त है, इसी सरकार के लोगों ने ये मुन्ना भाइयों को पनपाया है, इन्हीं के कारण उस आम पढ़ने वाले छात्र की हत्या हुई है। आम घर का बच्चा की जगह किसी ने मुन्ना भाई ने ले ली, तो ये सरकार है इनके लोगों के कारण ही हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये स्पष्ट कीजिए नियमों के तहत, आज तक ऐसा नियम ना तो किसी विश्वविद्यालय में है ना कोई अन्य परीक्षाओं में। कई जगह ऐसे बच्चे भी देखे गए जहाँ पे एक ही लाइन के छह बच्चे हैं, छह के छह टॉपर हैं। कुछ मामले ऐसे आए जिनमें 720 में से 700% मार्क, और ऐसा पहली बार हुआ एग्जाम में। देखिए सर, आप ये नीट का पेपर पहली बार ही लीक हुआ है, इसमें पूरी तरीके से धांधली है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता भाई। कोई मार्किंग सिस्टम में आप परसेंटेज काउंट कर लीजिए, पॉइंट का तो परसेंटेज हर जगह आता ही है, पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 का। लेकिन आप देखिए कितने बच्चों को टॉप करार इन लोगों ने दे दिया, उन लोगों के साथ इनकी चैटिंग फिक्स थी, उसी के कारण इन्होंने ये रिजल्ट जारी किया है। आज तक मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का नेता हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी के 27,000 बच्चों में से इतने 1% वाले मैंने नहीं देखे। देवेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए बिल्कुल विजय जी, हमारी तो बस एक ही मांग है कि देखिए इस समय चूंकि 24 लाख बच्चे कम नहीं होते, उनके माता पिताओं की मेहनत उनके सबसे दांव पे है, और चूंकि ये परीक्षा संदेह के घेरे में है, इस पे अविश्वास है, तो इसको तत्काल रद्द किया जाए और जो इसके दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्योंकि देखिए इस सरकार से नैतिकता की जिम्मेदारियों की बातें तो करना बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी, बेटियों का अपमान कर दिया, तो ये परीक्षा लीक में नैतिकता की बातें करेंगे इनसे उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। जिस तरीके से लगातार जिस बेशर्मी से अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, ये बिल्कुल मतलब निंदनीय बात है। क्योंकि इन्हीं की पुलिस हरियाणा की, इन्हीं की पुलिस बिहार की, इन्हीं की पुलिस गुजरात की, वो कह रही है पेपर लीक हुआ और ये मानने तक को तैयार नहीं पेपर लीक हुआ, तो ये जनता भी देख रही कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ही दो गुटों में बटी हुई है। एक भारतीय जनता पार्टी कहती है पेपर लीक हुआ, दूसरी भारतीय जनता पार्टी कहती है पेपर लीक नहीं हुआ। ये तय तो कर ले, पहले मिल बैठ के भारतीय जनता पार्टी को तय कर लेना चाहिए। मुझे तो ये लगता है जल्दी भारतीय जनता पार्टी भी दो टुकड़ों में बटने वाली बैसाखी वाली सरकार है। ये सरकार बचाने के लिए छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करके खामोश बैठे हैं, क्योंकि इनको अपनी सरकार के बचाना है। ये भी जानते हैं अगर ये मामला अगर ज्यादा बढ़ा तो ये बैसाखी वाली सरकार गिर जाएगी, और सरकार को बचाने के लिए बेशर्मी से झूठ में झूठ बोल रहे हैं। देश देख रहा है इन लोगों को, देश जवाब देगा। इनका एंकर तोड़ दिया, 400 की बात करने वाले 240 पे आ गए, बैसाखी से चल रहे वो इनका जिनका भविष्य जनता तोड़ देगी। अरे बात सुनिए, दिल्ली में तीन बार आपको हमने, आप मुद्दे से मत पटकाइए। अरे भाई साहब मुद्दे से मत पटकाइए, अरे मुद्दे से मत पटकाइए, अरे मुद्दे से मत पटकाइए। तीन कदम बच्चों के भविष्य से आपने खराब कर दिया, आप बच्चों पेपर लीक के जरिए 24 लाख बच्चों का लीक के पेपर बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। अरे बेटियों का अपमान करने वालों, किसानों पर गाड़ियां चढ़ाने वालों, थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए आप लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को शर्म करनी चाहिए। आप ऐसे लोगों को दिखते रहते हो जो देश के किसानों पर गाड़ियां चढ़ा देते हैं, उन लोगों को चुनाव लड़वाते हो देश के गोल्ड मेडल जीत के लाने इन बेटियों का अपमान करते हो, और आप बात कर रहे हो। नहीं नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और नैतिकता और शर्म सब एक दूसरे के दूर विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बेशर्म पार्टी है, नैतिकता है नहीं, सम्मान की बात नहीं है, मुद्दों से भटकाने इनको आता है। अरविंद जी, एक सवाल मेरा आप सुनिए, राजस्थान के शिक्षा मंत्री है, राजस्थान के शिक्षा मंत्री है, राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री है, उनसे किसी पत्रकार महोदय ने सवाल किया कि देश में नीट का पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, तो आपके मंत्री साहब ने यह बात बोली कि यह तो योग की बात है। आपके मंत्रियों को भी इतना पता नहीं है कि मार्किंग सिस्टम क्या होता है, एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है। वो तो सब आपके पूर्व मंत्री जी को पता है ना, पूर्व मंत्री जी, आप हमारे पूर्व मंत्री जी पर आरोप लगा रहे हो, सिद्ध कीजिए ना, आप सिद्ध कीजिए। आजकल बातें मीडिया में आके हमारी सरकार के व्यक्तियों ने कभी नहीं की। आप अलग है, आप एनएससी की बात कर रहे हो, आप जब रीट का पेपर लीक हुआ उस वक्त कहां पे थे आप? एक बार भी विरोध किया आपने इसको, सरकार के खिलाफ आंदोलन किया आपने? विरोध भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ, हमें क्या छात्रों के मुद्दे की बात करते हैं?
हमेशा छात्रों के भारतीय जनता पार्टी पर विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर संवेदनशील है और वो जो भी अपराधी होंगे उनको आपका पेपर लीक हुआ है। आप मानिए, आपका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पीए कह रहा है कि आपका पेपर लीक हुआ है। दो दिन पहले उन लोगों ने राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया है। पांच साल पहले कहा था आप रीट के मामले में। आप ये बात मानिए भाई साहब, कब तक पांच साल पुराने ठीकरे फोड़ते रहोगे? आज आप सत्ता में हो तो मान लो, अगर आपके बस की नहीं है विपक्ष में बैठे रहो, नहीं विपक्ष में बैठे रहो, जिम्मेदारी लीजिएगा। कब तक हर बार जिम्मेदारी से बात करते हो? अरे बेफिक्र हम नहीं रह सकते जनता का भविष्य खतरे में, छात्रों का भविष्य खतरे में। हम इतने क्रूर लोग नहीं है कि छात्रों से भविष्य से खिलवाड़ो और हम लोग नहीं, हम बेफिक्र नहीं रह सकते। जनता बेफिक्र नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अरे अरविंद जी थोड़ी, अरे अरविंद जी थोड़ी शर्म मर्यादा रखिए। जिस तरीके से आपका भी बच्चे कल को पढ़ेंगे, भगवान ना करे उनके भविष्य से खिलवाड़ करते जाओ। आपको जवाब देना होगा, जवाब देना होगा, सही जवाब देना होगा। जवाब सरकार देगी कार्रवाई करके। सरकार कार्रवाई करेगी कब? करेगी सरकार है, यही सवाल आपकी राजनीति में चलने वाली है। करेगी कब आपकी गंदी राजनीति? आपकी गंदी राजनीति यहाँ नहीं चलने वाली है चौधरी साहब। गंदी राजनीति किस चीज की? हम तो छात्रों का सवाल पूछ रहे हैं। मेरे अलावा देश का हर बच्चा। कहाँ गए थे सवाल पूछने वाले? राजस्थान में पेपर लीक हो रहे थे तब कहाँ गए थे? सवाल पूछा था, बड़े पैमाने पर हर भर्ती लीक हो कानून बनाया, पेपर रद्द हुए। चाहे रीट की हो चाहे एसआई की भर्ती हो, लीक हो रही थी उस वक्त कहाँ गए थे आप? कौन से पेपर जेल की सलाह को आप जिम्मेवारी आपने नाती का भाड़ा उठाया तो पेपर क्या मोदी जी के बारे में है? मोदी के बारे से लीक हुआ है, जनता का भरोसा खो चुके हो। मोदी जी के बारे से लीक हुआ है, जनता का भरोसा खो चुके हो, ठीक है ना? पेपर मोदी जी के बारे से लीक हुआ है। नाती तेरे बारे में कहाँ हुआ था लीक उस वक्त? कहाँ थे आप? नीट का पेपर मोदी जी के बारे से लीक हुआ था? मैं यार सो रहे थे पांच साल आराम से। नीट का पेपर मिलेगा मोदी जी के बारे में? सो रहे थे। नीट का पेपर कब मिलेगा? नीट का पेपर कब मिलेगा? नीट का पेपर कब मोदी जी के बारे में? कुल मिलाकर देश में देखिए इस मामले को लेकर इतना, ये बहुत गंभीर मामला है। अभिभावकों में बहुत आक्रोश है, जगह जगह देश में प्रदर्शन हो रहे हैं इसको लेकर। और जहां तक राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। अरविंद जी आपसे एक सवाल ये है कि आज जो राहुल गांधी से मिलने जो पीड़ित जो नीट के जो छात्र हैं वो गए हैं, और उसको लेकर विपक्ष का कहना है, इंडिया गठबंधन का कहना है कि देखिए राहुल गांधी हैं, उन पर विश्वास लोगों को कितना है। कहाँ तो उन राहुल गांधी का मजाक उड़ाती थी जो भारतीय जनता पार्टी, अब कितना विश्वास है छात्रों को उनके पास जा रहे हैं कि वो कुछ विपक्ष में रहकर कोई आवाज़ उठाएंगे उनकी? क्यों जा रहे हैं उन तक? सीधे तौर पर क्या संवाद नहीं कायम कर पा रही भारतीय जनता पार्टी, जबकि देश की सबसे बड़ी, अरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी? नहीं जरूर, जो भारत सरकार है जो भविष्य देखते हुए इन छात्रों का सही फैसला लेगी। और भारत सरकार से मेरा भी यही अनुरोध है कि अगर ये नीट का पेपर लीक हुआ है तो इसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए और पारदर्शिता की तरह वापस इसका पेपर किया जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे दे जाए। लेकिन लेकिन जो राहुल गांधी जी आप कह रहे हो कि भाई राहुल गांधी के पास छात्र गए हैं, तो राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ दिखावा की राजनीति करते हैं, इसके कारण ही 15 साल में वो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। अगर राहुल गांधी जी दिखावे की राजनीति करते हैं तो देश के लोगों के भी सड़कों पे नहीं होते। दिखावे की और झूठी राहुल गांधी सड़कों पे देखते हुआ, राहुल गांधी सड़कों पे लोग फिरे ना, राहुल गांधी को लोगों के बीच रहे हैं, लोगों के सुख दर्द को समझे। राजनीति 99 में क्यों फंस गई?
राहुल गांधी जी लोगों के बीच में है, पार्टी प्रधानमंत्री नेता मिलेगा इस बार, कहां गए इतने साल? और ये गंदी राजनीति है, ये देश की जनता को सब पता है। गंदी राजनीति हम नहीं करते, जनता को मोदी सरकार के ऊपर जनता के भारतीय जनता को विश्वास है। 240 जनता ने, और जो छात्र की छात्रों का भविष्य का सवाल है वो मोदी सरकार उनके भविष्य का। अरे देखिए कौन अरविंद जी, कोई एक व्यक्ति विशेष का तो नाम बताइए। चलिए खैर, धर्मेंद्र प्रधान जी तो बोलने को तैयार है इस मुद्दे पे। धर्मेंद्र 5 साल एक काम है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान आया है सामने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस मामले की त्वरित तौर पर जांच कराने के लिए कही है, और इसमें पूरे एक्शन मोड पे भी जो सरकार दिखने की बात सामने आई है, और कुछ एजेंसीज है उनको पाबंद भी किया है ईओयू के जरिए, इस मामले की जांच होनी है और तमाम जगह जगह। लेकिन सर तो आप देखिए, इन्होंने एक एक पेपर जो एक दिन में इन्होंने रद्द कर दिया, दूसरा पेपर लोगों को पता है लीक हो गया, फिर भी रद्द नहीं कर पा रहे। आप क्या कहने से सरकार करेगी या जांच एजेंसियां कहेगी उस पर करेगी? बिहार में पुलिस छुट्टी है, बिहार में पुलिस छुट्टी है, बिहार में पुलिस आपके जजमेंट से करेगी क्या? बिहार पुलिस किसकी है? देखिए तमाम जो बिहार में पुलिस है, जो बिहार में पुलिस किसकी है? राजस्थान के अंदर पूर्ववर्ती सरकार हटा दी है, पुलिस किसकी है? ठीक है, फिर भी आपके शिक्षा मंत्रियों ने नहीं माना उस वक्त, कहां थे आप? बिहार में पुलिस किसकी है? बिहार में पुलिस कौन लोगों की है? कहां पे गए थे आप? बिहार में पुलिस किसकी है? आप अगर एक अंगुली आप, चलिए ये जो डिबेट है हमारी इस मुद्दे पर, ये तो बात करेंगे तो चलती ही रहेगी, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चलते रहेंगे, लेकिन सबसे अहम बात है कि इस मामले में जिम्मेदारी के साथ जो सरकार का जो भी संबंधित विभाग है वो आ गया है, और तमाम जो ऐसी एजेंसीज हैं जो इस पर इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो सामने जो आरोपी आए हैं उन पर तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। 8 जुलाई को अभी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है, 8 जुलाई को फैसला आएगा, और क्या आएगा फैसला ये देखने वाली बात होगी। अगर फैसला खिलाफ आया तो बच्चों की काउंसलिंग अटक जाएगी, उन बच्चों को जो सपने देख रहे हैं कि डॉक्टरेट के, और फिर से दोबारा एग्ज़ाम होगी। लेकिन अब कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा मार्ग निकालना होगा, एक ऐसी एजेंसी बिठानी होगी जिसके ज़रिए इस तरह के जो मामले दोबारा सामने नहीं आए, क्योंकि पहली बार नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा का जो ये मामला पेपर लीक का आया है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। फिलहाल के लिए हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए जुड़ने के लिए, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।